Hey guys, welcome to GTech Education, Google Product के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में हम Google Workspace के बारे में बात करेंगे। Google Workspace बेसिकली कभी हम इसको आपने सुना होगा, Google साइट के बारे में भी सुना होगा, तो Google Workspace को ही Google साइट भी कहा जाता है, Google Apps एंड जी साइट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेसिकली Google ने एक अपने कई सारे प्रोडक्ट को एक जगह पर मर्ज करके एक उसके कोलेब्रेशन के साथ जो सर्विस देती है तो उसी को Google Workspace कहते हैं, जिसमें आप Google Mail, Google Drive, Google Calendar, Google Meet, Google Docs, Google Drive के साथ मतलब मल्टीपल उसके प्रोडक्ट्स का एक जगह पर आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये फ्री नहीं है, इसके लिए आपको मतलब ये 14 डेज़ के लिए, 2 वीक के लिए जब आप साइन अप करते हैं तो 2 वीक के लिए आपको फ्री सर्विस मिलती है, लेकिन उसके बाद फर्दर आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अलग अलग प्राइस पर अलग अलग फीचर आपको एक्सेस करने का मौका मिलता है। पर मंथ के हिसाब से वो आप इसकी सर्विस देते हैं, पर ईयर के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। तो ये टोटली गूगल के अलग अलग फीचर अवेलेबल है अलग अलग प्राइसेस पे। तो वर्क स्पेस यही है कि इसमें अलग अलग आपको एक उसके कोलेब्रेशन के साथ मल्टीपल एप्लीकेशन और मल्टीपल प्रोडक्ट के कोलेब्रेशन के साथ आपको बेनिफिट्स मिलता है एक जगह पर। तो सबसे पहले ये 2006 में लॉन्च किया गया था स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। उस समय इसका नाम गूगल एप्स फॉर योर डोमेन दिया गया था, गूगल ने इसका नाम दिया था और गूगल ही इसका मार्केट करता है। बहुत सारे फीचर एक जगह पर यूज कर सकते थे तो उनको बेनिफिट मिलता था, तो ये एक तरह से बिजनेस के लिए बनाया गया था। फिर 2016 में इसको रीब्रांड करके जी साइट का नाम दिया गया था, गूगल साइट्स मतलब गूगल एप्स या गूगल साइट करके, जिसमें मल्टीपल एप्स को आप यूज कर सकते थे। गूगल वर्क स्पेस के लिए मैंने बताया है कि आप मल्टीपल कोलेब्रेशन के साथ उसको एक जगह पर यूज कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट हैं गूगल के उसको एक जगह पर आप यूज कर सकते हैं। मतलब आपका कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मल्टीपल गूगल के प्रोडक्ट की जरूरत है तो गूगल वर्क स्पेस का प्लान आप ले सकते हैं और उसमें आपको गूगल ड्राइव, गूगल कैलेंडर, गूगल मीट्स, गूगल शीट्स, तो इस तरह के जो भी उसके कुछ मल्टीपल मतलब कुछ प्रोडक्ट हैं उसके फीचर्स अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जगह पर ले सकते हैं। सारे फीचर आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। अब व्हाट इज़ गूगल वर्क स्पेस अकाउंट, अगर हम बात करते हैं कि गूगल वर्क स्पेस अकाउंट क्या है, तो ये क्लाउड बेस्ड एक अकाउंट बनता है। गूगल का जो सर्वर है क्लाउड, वहाँ पे आपको एक्सेस मिलता है और वहाँ पे आप जीमेल के अपने डोमेन का एक्सेस आपको मिल जाता है। आपके छोटे से या बड़े से जो भी बिजनेस है उसको अगर आप जी साइट बनाते हैं तो वहाँ पे आपके डोमेन के लिए गूगल के क्लाउड में आपको स्पेस मिलता है और ये गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और मोस्टली इसे बिजनेस को ध्यान में रख के ही बनाया गया था। तो इसे गूगल वर्क स्पेस को जीमेल का बिजनेस वर्जन भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि जीमेल, गूगल मेल और गूगल वर्क स्पेस में क्या डिफरेंस है। तो गूगल मेल में आप सिर्फ ईमेल अपने सर्विस ईमेल की सर्विसेज ले सकते हैं, जैसे कि आपको कहीं मेल करना है किसी दूसरे ईमेल सर्विस जो आपको जो ईमेल सर्विस यूज़ कर रहा है तो एक मेल जो भी आप टाइप करते हैं उसमें फ़ोटोज या जो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह लगाते हैं जो भी वहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर जीमेल में ही उसकी फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वर्क स्पेस जब आप लेते हैं तो वहाँ पे गूगल मेल के साथ साथ आपको कैलेंडर और ड्राइव और मीट, गूगल मीट, गूगल शीट, इस तरह के मल्टीपल प्रोडक्ट के बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो गूगल मेल एक इंडिविजुअल है लेकिन गूगल वर्क स्पेस में मल्टीपल प्रोडक्ट हैं गूगल के जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है गूगल मेल और गूगल वर्क स्पेस में। अब एक सवाल और आता है कि कोई पूछता है कि मुझे गूगल वर्क स्पेस में कैसे मतलब कैसे मैं बन सकता हूँ, कैसे ले सकता हूँ, हाउ डू आई बिकम अ गूगल वर्क स्पेस। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने गूगल डोमेन में साइन इन करना है। सेलेक्ट द नेम ऑफ योर डोमेन, आपके जो भी डोमेन है उसका नाम सेलेक्ट करना है। फिर ओपन द मेन्यू के एक ऑप्शन आता है, वहाँ ओपन करते हैं। क्लिक द ईमेल, आपका जो ईमेल है वहाँ क्लिक कर लेते हैं। अंडर एड और रिमूव पीपल फ्रॉम गूगल वर्क स्पेस क्लिक एंड यूज़र एंड इंटर द न्यू यूज़र्स फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड द डिज़ायर यूज़र नेम। मतलब जब आप वहाँ पे एक ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम बनाना पड़ता है, आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम बनाना पड़ता है। नॉर्मल जिस तरह हम ईमेल आईडी बनाते हैं उसी तरह आपके ईमेल आईडी के साथ जब आप आगे प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पर आपको एक यूज़र नेम बनाने का ऑप्शन आता है, आप यूज़र नेम बना लेते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है आपको एडमिन और यूज़र का मतलब सेलेक्ट करना होता है कि आप रोल क्या है आपका वहाँ पर, आप एडमिन हैं या आपको आप यूज़र हैं। मतलब एडमिन को कुछ अलग फीचर मिलते हैं और जो यूज़र है उनको अलग फीचर मिलते हैं, तो आपको पहले वहाँ पर एडमिन या रोल का फिर वहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। फिर फर्दर आगे प्रोसेस करते हैं, क्लिक एड करते हैं, फिर आपका वो वर्क स्पेस मिल जाता है, मल्टीपल बेनिफिट्स आपको
मिल जाते हैं सारे फीचर आप। पहले हमने एक ये बात किया था गूगल वर्क स्पेस फ्री है या पेड है, तो ऑफकोर्स ये पेड है। आप स्क्रीन पर देखेंगे मल्टीपल, हम उसके प्लान को बताएंगे कि किस तरह का प्लान है। तो 3-4 तरह का प्लान आपको देखने को मिलेगा। गूगल वर्क स्पेस के लिए हमने पहले ही डिस्कस किया कि 2 वीक्स के लिए ये ट्रायल सब्सक्रिप्शन देता है, उसके बाद फर्दर आप यूज़ करना चाहते हैं। तो सबसे कम जो इसका प्राइस है 125 पर मंथ का है। उससे और आगे और मल्टीपल फीचर आपको चाहिए तो और आगे प्रोसेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो 672 रुपीस पर मंथ का आपको प्राइस का जो फीचर्स मिलता है। उससे और आगे आप फर्दर और उससे ज़्यादा और आपको यूज ज़रूरत है तो 1260 रुपीस पर मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको मल्टीपल फीचर मिलते हैं। लेकिन अगर और ज़्यादा आपको फीचर की ज़रूरत होती है तो उसके लिए आपको गूगल के सेल्स डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ता है। 3 तरह के यहाँ पर प्लान अवेलेबल हैं, 125 रुपये पर मंथ का, 672 रुपीस पर मंथ का एंड 1260 रुपीस पर मंथ का प्लान अवेलेबल है। बट उससे फर्दर और ज़्यादा फीचर आपको चाहिए तो गूगल के सेल डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना होता है। वहाँ पर आपको और भी फीचर्स के साथ साथ वो प्राइस बताते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये बहुत मे भी हो सकता है लंबी वीडियो हो गई है। अगर और भी डिटेल आपको चाहिए वर्कस्पेस के लिए तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। विल ट्राई कि हम उसके आपके क्वेश्चन के आंसर कर सकें। और ऑफ कोर्स जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो नई वीडियो आने वाली हैं उसके आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई सजेशन है सो ऑफ कोर्स डू कमेंट। एंड अगर और भी ज़्यादा चाहिए बात करना है हमसे तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ईमेल आईडी मिल जाएगी, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।